नमस्कार दोस्तों, माजा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट एक ऐसा ऐप, एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पे हम लोग ऑनलाइन जाकर शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन किसी भी सामान को परचेज करते हैं। तो उस फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं और फिर वहाँ अपना एड्रेस कैसे डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर कैसे सेट करते हैं और फिर उस ऐप से यानी कि फ्लिपकार्ट से किसी भी सामान को परचेज कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। करना क्या, आपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है। ओपन कर देते हैं, ऊपर देखिए बॉक्स में सर्च फॉर ऐप लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए फ्लिपकार्ट। टाइप कर देते हैं, नीचे देखिए दिख रहा है फ्लिपकार्ट, उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग दिया हुआ है, जो ऐप है उसके जस्ट बगल में इंस्टॉल का ऑप्शन है, उस पर हमको क्लिक कर देना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, नीचे तब तक रिव्यू आप पढ़ सकते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। जो लोग यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो लोग यहाँ पे लिख के डालता है, तो आप देख सकते हैं। नीचे देखिए रिलेटेड टू दिस ऐप, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग, क्लब फैक्ट्री, अमेजन, ओएलएक्स, ये सब पर भी जाकर आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये सब नीचे ऑफ है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतज़ार हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है और ये डायरेक्ट हमको ओपन के पेज पर लेकर जाएगा। नीचे देखिए ओपन का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और इस तरीके से फ्लिपकार्ट का जो पेज है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वैसा नंबर डालिए जो आपके पास अवेलेबल हो, ताकि उस पर OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP का नीचे ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। और देखिए जो आप नंबर डाले थे उस नंबर पे फ्लिपकार्ट की तरफ से 6 डिजिट का जो है OTP आया होगा, आप OTP यहाँ पे डाल दीजिए। देख लेते हैं, हम अपने मोबाइल में आ चुका है तो इस OTP को हम डाल देते हैं यहाँ पर। और नीचे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन है, उस पर जाके हमको क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो है फ्लिपकार्ट में मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी 2-3 चीज़ें बाकी है, जैसे कि एड्रेस हमको ऐड करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, ताकि परचेज जब करें, ऑनलाइन ऑर्डर दे तो डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे आ जाए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए फ्लिपकार्ट के जस्ट बगल में 3 लाइनिंग का ऑप्शन है बॉक्स टाइप का, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इसको ऊपर की ओर कीजिएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई अकाउंट का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए इंटर फुल नेम, उस पर क्लिक करके आप नाम, जिस नाम से आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालते हैं तो एक जो है हटा देते हैं, उसको नीचे वाले ऑप्शन पे लास्ट नेम में डाल देते हैं। तो नाम डाल दिया और नीचे करके देखते हैं क्या है। ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं। तो बाकी कुछ नहीं, नीचे करते और देखिए सबमिट का एक ऑप्शन है, उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है नाम आपका सबमिट हो चुका है। फिर नीचे की तरफ करते हैं तो माई एड्रेस का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऐड एन एड्रेस, इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। पिन कोड डिमांड कर रहा है तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आप डाल लीजिए। और नीचे देखिए हाउस नंबर और बिल्डिंग नेम, यहाँ पे एड्रेस आप परफेक्ट डालिएगा, आपका जो भी एड्रेस होगा वो सही तरीके से डालिएगा, ताकि जो है जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो उस एड्रेस पर आपका जो आर्टिकल है, जो वस्तु होगा, वो उसी एड्रेस पर पहुँचेगा। तो एड्रेस में सावधानी रखिएगा। दो लाइन है, ऊपर वाले में मेन जो आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए और नीचे रोड नेम या एरिया कॉलोनी यानी कि जो आपका सिटी का नाम होगा वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। और नीचे कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नीचे देखिए नेम का ऑप्शन है, उस पर हमको क्लिक करना है। तो नेम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। नेम हम ऑलरेडी पहले से अपलोड किए ही हुए हैं, नाम हम पहले से डाले थे, फिर भी यहाँ पर हम, और लैंडमार्क का एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपको, आप अपने एरिया का एक लैंडमार्क दे दीजिए, ताकि एड्रेस जो है ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर कोई होगा आपका फेमस जगह तो डाल दीजिए। नेम का ऑप्शन है, हम पहले भी डाले थे, फिर भी हम दोबारा यहाँ ऑप्शन मांग रहा है तो हम नाम डाल देते हैं। नीचे 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता ही है, आप यहाँ पर डाल दीजिए कोई मोबाइल। और नीचे दे रहा है अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, यानी कि वो नंबर अगर कभी आपका बंद रहेगा तो दो दो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए।
और एड्रेस टाइप जो आपका एड्रेस है किस तरीके का है उस पर आप क्लिक कीजिए। होम एड्रेस है मेरा, क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। आपका जो भी होगा एड्रेस उस पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से जो है मेरे अकाउंट पे एड्रेस जो है जाकर सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या होते हैं बैक हो जाते हैं और जाइए और जो चीज़ आपको परचेज करना है उसको यहाँ से जाकर आप बखूबी ऑर्डर कर सकते हैं और जो सामान है वो डायरेक्ट आपके जो एड्रेस है उस पर आ जाएगा। और परचेज कैसे करना है ये हम आपको दूसरे वीडियो में सिखाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।